Hey everyone, welcome to our channel and welcome to our new episode of Goa Vlog Series. आज आपको हम लोग ले चलेंगे टॉप थ्री प्लेसेस ऑफ ओल्ड गोवा एंड नॉर्थ गोवा. तो चलिए चलते हैं. तो जो फर्स्ट प्लेस है वो है सिनकेरियम बीच. सिनकेरियम बीच नॉर्थ गोवा में है एंड इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिसाइड एगवाड़ा फोर्ट. ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है गोवा में विथ इमेंस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. दिस इज द एंट्रेंस ऑफ लोअर फोर्ट एगवाड़ा एंड सिनकेरियम बीच. सामने से आपको एक लंबा रास्ता दिखेगा जिधर से आपको वॉक करके जाना है. आगे आपको मिलेगा फोर्ट एगवाड़ा का लोअर पार्ट एंड ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये सारा एरिया सिनकेरियम बीच का है. तो आगे से चलते हुए जाना है एंड उसके बाद हमें स्टेयर्स के थ्रू नीचे जाना है और हम लोग पहुंच जाएंगे सिनकेरियम बीच में. अभी वहां पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो आप चाहे तो वहां वाटर स्पोर्ट्स का भी एंजॉय कर सकते हैं. सिनकेरियम बीच में आप एंजॉय कर सकते हैं स्पेक्टेकुलर सनसेट व्यू और यहाँ पे है सबसे अच्छा सनसेट पॉइंट. तो चलिए आपको हम लोग वो सनसेट पॉइंट भी दिखाते हैं एंड यहाँ पे आप कैजुअल वॉक कर सकते हैं और सनसेट को आप अपने कैमरा में कैप्चर कर सकते हैं. ये जो अभी छोटा सा गेट दिखा उधर से आप लोअर फोर्ट एगवाड़ा जा सकते हैं और ये जो सामने में गोल सा एरिया दिख रहा है वो है सनसेट पॉइंट. आप यहाँ पे सनसेट का आनंद ले सकते हैं और बहुत अच्छे से अच्छे फोटोग्राफी कर सकते हैं, मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट जो मस्ट विजिट प्लेस है गोवा में वो है बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस. बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस गोवा का मोस्ट फेमस चर्च है और वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियंस इसे बहुत ज़्यादा मानते हैं एंड ये पार्शली रून हो गया है बट इसका सिंपलिसिटी ही इसकी खासियत है. दिस इज़ द ओनली चर्च इन ओल्ड गोवा जो बाहर से प्लास्टर्ड नहीं है. बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस में कोई भी एंट्री फीस नहीं है. पूरे वर्ल्ड से क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले यहाँ आते हैं. यह चर्च यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है. आखिर ये चर्च इतना फेमस क्यों है? ये चर्च इतना फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे है फादर सेंट फ्रांसिस जेवियर की डेड बॉडी. जी हाँ, इस चर्च में फादर की मम्मी रखी गई है. 500 साल पहले फादर यहाँ पे आए थे अपने धर्म का प्रचार करने और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी डेड बॉडी इंडिया में रखी जाए. ये है चर्च का मेन गेट बट चर्च के अंदर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था. एंड नेक्स्ट जो मस्ट विजिट प्लेस है वो है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम विच इज जस्ट अपोजिट टू बॉम जीजस. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ओल्ड गोवा में है. इसकी टाइमिंग है ओल्ड डे ऑफ द वीक 10 AM टू 5 PM एंड फ्राइडे को ये क्लोज रहता है. द म्यूजियम हैज अ रिच एंड रेयर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फाउंड थ्रू आउट द गोवा. म्यूजियम के ऑब्जेक्ट्स को 8 गैलरीज में डिस्प्ले किया गया है. पोर्ट्रेट्स को डिस्प्ले करने के लिए नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ किया गया है जो कि सिंपली ऑसम है. गैलरी नंबर 1 एक इंट्रोडक्शन है पूरे म्यूजियम का. वहाँ पे एक वुडन बुक रखा हुआ है जो कि ओपन है और उसमें गोवा की हिस्ट्री लिखी हुई है. म्यूजियम के हर एक गैलरी में डिफरेंट डिफरेंट एरा की चीज़ें रखी हुई हैं. म्यूजियम बहुत ही बड़ा है तो अब जब भी म्यूजियम विजिट करने जाएं तो टाइम लेकर के जाएं. म्यूजियम के अंदर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी विजिटर्स के लिए अलाउड नहीं है. बाहर से ये म्यूजियम कुछ इस तरीके का है और ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ा है. तो ये एक ऐसा प्लेस है जो आप जब भी गोवा जाएं तो ज़रूर से देखने जाएं.
आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस ब्लॉग को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स हमें बताएं। स्टे ट्यून्ड, बाय।